मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद छवि रंजन को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने आवेदन देकर पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ के लिए छवि रंजन को 7 मई को रिमांड पर लिया था और जेल से आरोपी को अपने साथ ले गई थी। यह रिमांड अवधि 12 मई को पूरी हो गई। बता दें कि छवि रंजन को ईडी ने 4 मई को गिरफ्तार किया था, 5 मई को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। ईडी 7 मई की सुबह पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सेना की कब्जे की 4 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में 4 जून 2022 को बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी फर्जीवाड़े के अन्य जमीन की फर्जीवाड़े की ईडी जांच जारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।